डाली डाली फूलों की। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम बिष्ट अल्मोड़ा की पहाड़न, और फिलहाल आज तो मैं दिखा देती हूं सबसे पहले अपने आप को कि मैं हूं पूनम पहाड़ी। आज मैं निकली हूँ एक्चुअल में अपने गांव के भ्रमण पे। अभी तक क्योंकि दिवाली का टाइम था इसीलिए मैं इतना काम की वजह से, क्योंकि घर काफ़ी का टाइम से छूटा हुआ था तो वहाँ पर काम भी था, फिर दिवाली की सफाई थी अलग से और सजावट थी, तो इसीलिए मैं गांव से अपने घर से बाहर नहीं निकल पाई। तो आज मैं निकली हूँ अपने गाँव के भ्रमण पर। तो देखिए, करे खाद गड्ढे का निर्माण, होगा कूड़े का सुरक्षित निपटान। ग्राम पंचायत ऊंचा वाहन विकासखंड चौखुटिया, जिला परियोजना प्रबंधन इकाई स्वजल अल्मोड़ा। तो देखिए, ये है मेरा सुंदर सा गांव। आपको रंगों को देख के ही आपका दिल खुश हो जाएगा। कितने सुंदर यहाँ पर ये मजेंटा कलर यूज़ किया हुआ, पिंक कलर जो है यूज़ किया हुआ है। देखिए देखिए, सीढ़ियों में लगाया हुआ है और वो ऊपर है हमारे गांव का पूरा, ये पूरा एक बाग ही है। देखिए, बादल ऐसे आ रहे हैं जैसे कि कोन पर आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम। तो देखिए, इतना सुंदर यहाँ पर लाल रंग से रंगा हुआ है सीढ़ियों को। यहाँ की खूबसूरती अलग ही है कुछ। ये है टॉयलेट और बाथरूम यहाँ पर। ये है सिद्धार्थ और हाँ बुरी हमारी, ये कौन है, अम्मा या की ताई की है? वो घास के लिए जा रही हैं, दातुली लेके हाथ में घास के लिए जा रही हैं। ताई हैं, हाँ। देखिए कॉम्बिनेशन देखा आपने, हाथ में दातुली और कान में मोबाइल से बात कर रही हैं, तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल मॉडर्न और बिल्कुल वेस्टर्न और इंडियन, उसका मॉडर्न और ट्रेडिशनल का पूरा आपको मैंने संगम दिखा दिया अपने गांव में। ये है देखो, देखिए सब जगह सबके टॉयलेट्स बने हुए हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये खुले में शौच मुक्त गांव है हमारा। वो सामने मुझे एक नदी भी दिख रही है, एक नदी दिख रही है, ये है रामगंगा, है ना, रामगंगा है ना, ये रामगंगा जाती है हमारे यहाँ से, वो रामगंगा है। सूरज देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है। दिन का 3:30 बज रहे हैं ना, 3:30 बजे का ये टाइम है। और देखिए यहाँ पर फिर से बेबी पिंक कलर से रंगा हुआ है अपने घरों को, कि इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों के मन कितने बिल्कुल रंगीले हैं, बहुत सुंदर। उनको हमारे उत्तराखंड में जो है वो एक से बढ़िया एक रंग, एक से बढ़िया एक जो है ट्रेडिशन जिसे कहते हैं रीति रिवाज, वो भरपूर रंगों से भरे हुए हैं। और देखिए अब मैं आपको लेके जाती हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी, ये है खुले में शौच मुक्त गांव, ग्राम पंचायत ऊंचा वाहन विकास खंड चौखुटिया में आपका स्वागत है। हम गांव को स्वच्छ रखने हेतु प्रतिबद्ध हैं। तो इस गांव पे बिल्कुल लगा हुआ है खुले में शौच मुक्त का एक स्टैंप भी लगी हुई है। और एक्चुअल में हर किसी के बाहर, मैंने आपको जहाँ भी दिखाया वहाँ पर आपको एक टॉयलेट बाथरूम मिला होगा जरूर, हर एक। देखिए एक किसी एक गाँव की जो है छत है, दिखाओ मैं दिखाती हूँ, इस पर मैं चढ़ भी सकती हूँ। ये गांव की छत है। यहाँ पर ज़्यादातर फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़्यादातर जो मकान हैं वो पुरानी पद्धति से जो बनते थे वही ज़्यादातर हैं। मेरे मायके में, मैं कभी आपको अगर लेके चलूँगी तो मेरे मायके में जो है, ये देखो ये नए मायके में इस तरह के मकान जो है बहुत कम है। कभी मैं जाऊंगी तो आपको वहाँ की ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाव, ये अभी बन रहा है, तो इस ये बन रहा है फिर भी देखिए यहाँ के किसी ने किसी को अच्छा लगा होगा कि यहाँ का पुराना पैटर्न ही सुंदर, चाहे मॉडिफिकेशन किया है बट उसी तरीके से बनाया हुआ है मकान, बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत, एकदम ताज़े, बिल्कुल अपने जड़ों से जुड़ने की पूरी कोशिश की है इस मकान के मालिक ने। और ये देखिए, ये पुराना गाँव है, पुराने की ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, वाओ ओल्ड इज। आपको इन मकानों को देख के, अगर आप पहाड़ी हैं तो आपको पता होगा, बट अगर आप नॉन पहाड़ी है तो आप काफ़ी सरप्राइज होंगे कि उत्तराखंड की सुंदरता। आप सीन देखिए, ये बादल जो है सांस सांस पहाड़ों के पीछे एकदम बादल। सिद्धार्थ किसकी तरह लग रहा है, वनीला आइसक्रीम है ना, ऐसा लग रहा है कि यूं करेंगे और हम पकड़ लेंगे इसे। नहीं, heaven, heaven.
ऐसे पकड़ लेंगे हम, हेवन, इट्स लाइक हेवन, यस। देखिए देखिए यहाँ पे लोगों ने यहाँ से पे मूली के पत्ते और ये यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई हैं ताकि गाय या भैंस कोई नीचे ना जा पाए। और ये देखिए यहाँ का सीन देखिए आप, वाह। आई होप आपको ये सीन देखकर जो है आपका दिन बन जाएगा और आप इस जगह पर आने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस जगह पर आया जाए। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके जाने वाली हूँ इस गांव में। अभी एक देखिए कोई पुराना गांव है, ये भी छोड़ा हुआ है, इस पर डिश भी लगा हुआ है। देखिए यहाँ से पलायन बहुत हो गया है, इतनी खूबसूरत जगह को से कैसे कोई पलायन कर गया, मतलब उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर देखिए कितना सुंदर फूल है। देखिए इस फूल को किसी ने कोई केयर नहीं दी है क्योंकि एक तरफ मकान बन रहा है और एक तरफ मकान छोड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं हुआ है शायद, हाँ अंदर कोई है, मुझे इतना पता नहीं है। तो देखिए इस फूल को किसी ने इतनी केयर नहीं दी, जहाँ आप शहरों में इतनी केयर देते हैं, हर संडे यहाँ पे आप वो बुला कर रख लेते हैं। देखिए वो हमारी भगवती माँ का मंदिर है ऊपर, जय भगवती माँ, ये भगवती का मंदिर है। हाँ हाँ जूम करके दिखाया मैंने। देखिए भगवती जो होती है वो हमारे उत्तराखंड में हमारी देवी है भगवती, और वो हमारी रक्षा करती है हमेशा, चाहे आप माने ना माने वो एक दैवीय शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। ये देखिए यहाँ पर फिर से टॉयलेट बाथरूम है और सिद्धार्थ देखो चींटियों के साथ खेल रहे हैं। कैसा लग रहा है सिद्धार्थ चींटियों के साथ आपको? मैं देख रहा हूँ। पता है आपको कितनी मेहनती होती है चींटियां? हाँ जानता तो हूँ। हाँ तो उत्तराखंड के लोग भी इतने मेहनती होते हैं और ये मेहनत दिखती है यहाँ के घरों में, घरों के जो दरवाजे हैं उस पर नक्काशे देखिए कितनी मेहनत करके ये बनाए हुए हैं। और देखिए मजारा देखिए मेरे गांव का। हाँ हाँ हाय, और ये है, ये क्या है, इस भवन हेतु भूमि लक्ष्मण सिंह बिष्ट, हरि सिंह बिष्ट, स्वर्गीय स्वरूप सिंह बिष्ट ने दान में दी है। ये क्या है, पंचायत कक्ष है ये हमारा, इसमें धनराशि पूरी दी हुई है, स्वीकृत वर्ष दिया हुआ है और इस पे हमारे ग्राम प्रधान शंकर सिंह बिष्ट, शंकर चाचा जी का नाम है, उन्होंने इस गांव को काफी अच्छा जो है बहुत प्रगति की है इस गांव में जब से वो यहाँ पर बने हैं हमारे ग्राम प्रधान। तो आप नहीं है, आप तो दूसरे बन, हाँ अभी दूसरे बन गए हैं, बट उनके कार्यकाल के दौरान बहुत तरक्की की इस गांव ने, बहुत सुंदरता इस गांव को मिली, इसका बहुत सौंदर्यीकरण किया गया। तो गांव सोलर पैनल भी यहां पर लगाए हैं, तो करने वाले होने चाहिए। मैंने सुना है कि उन्होंने भी अपनी जॉब को छोड़कर यहां आना डिसाइड किया और यहां आकर देखिए अपने गाँव को कितना सुंदर उन्होंने लुक दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर चाचा, आप भी देना चाहते हो धन्यवाद शंकर चाचा? थैंक यू शंकर चाचा जी, आपने बहुत अच्छा काम किया गांव के लिए और गांव ने बहुत प्रोग्रेस की जब आप प्रधान बने, और हम चाहते हैं ऐसे इसी तरह से जो भी प्रधान बने वो हमेशा प्रोग्रेस गांव का प्रोग्रेस होता रहे। और इतना और एक चीज और हमें उसमें ऐड करना है, सोलर पैनल। और ये नजारा देखिए, मतलब आपका ड्रीम जो होता है ना किसी का, इस तरह का नजारा देखने का, it's like dream come true, it's like heaven, it's literally like heaven, I'm speechless, true, yes, मेरे पास शब्द नहीं है इस सुंदरता को, कैसे मैं सुंदरता के लिए मेरे कैसे मैं बताऊं आपको कि कितनी सुंदर चीज, बस आप देख सकते हैं, this is merciful, time pass, ladies का time pass है वो कैसे, और देखिए यहाँ पे ladies देखिए अपना time pass कर रही हैं, वो घास लेने जा रही हैं तो साथ साथ में बैठ के गप्पे भी मार लेती हैं, यहाँ पर स्ट्रेस फ्री लाइफ है इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि आपको प्रकृति टाइम है, यहाँ पर प्रकृति की छटा है, आपको शरीर में जो पंच तत्व जिससे बने होते हैं पूरे पांचों तत्व यहाँ पे इतने एबंडेंस में होते हैं कि आपको कभी आप स्ट्रेस में नहीं जाओगे। और जो लेडीज़ हैं वो अपने बहुत दिन भर काम में लगी रहती हैं, यहाँ पर आपको जैसे शहरों में मिल जाएंगे स्ट्रेस में लोग मिलते हैं, आपको ट्रॉमा में लोग चले जाते हैं, यहाँ आपके लोग ऐसा आखिर लोगों में आपको वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी, ना कोई छोटी बीमारी ना कोई बड़ी बीमारी, यहाँ पर डिप्रेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है और उसका कारण है ये खूबसूरत नज़ारे। आपको लगता है इनको देख के किसी को डिप्रेशन होगा? पता नहीं, सुना भी होगा। हाँ उन्होंने सुना ही नहीं होगा कि डिप्रेशन होता क्या है। तो अगर आप डिप्रेशन से ये जा रही है, देखिए ये होती है मेहनत, आपको लगता है डिप्रेशन होगा यहाँ पे? ये है मेहनत यहाँ की औरतों की,
और आपको सब स्लिम ट्रिम मिलेंगी औरतें। और मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ अपने आपको क्योंकि मुझे आपने बहुत बार देखा है और आगे की वीडियो में देखते रहेंगे। आज आपका आज बारी है हमारे उत्तराखंड को दिखाने की और मेरे गांव को दिखाने के लिए स्पेशली। एक बूबू जी भी आ रहे हैं तो अभी मैं आपको ले चलती हूँ हमारे गाँव का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है नया। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के साथ हूँगी आपके साथ। तब तक थैंक यू एंड बाय।